आज हम मौजूद है MGN समाचार की तरफ से जिनसी में, और आज यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक का ओपनिंग हुआ है। और आइए हम आवेद सर से इस ताल्लुक से दो शब्द बात करते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको आज इस मुकाम तक पहुँचाया। और इसके बाद जो लोग यहाँ पर आए और मेरे दोस्त इम्तियाज़ साहब संपादक MGN समाचार के, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ तक आए। आपके क्लिनिक पे ऐसी क्या स्पेशलिटी है? देखिए, असल में यहाँ की स्पेशलिटी यही है क्लिनिक की कि एक क्लिनिक हर ज़रूरतमंद के लिए, क्योंकि यहाँ की फ़ीस इतनी रखी गई कि हर आम आदमी इसको बेयर कर सकता है। ये 20 रुपये के अंदर चेकअप वाला हॉस्पिटल है। और क्या फैसिलिटी है आपके हॉस्पिटल? हर जनरल क्लिनिक में जो फैसिलिटी होती है, इससे हटके हमने यहाँ पे जो है तो आने वाले कल के लिए सोचे कि एक्सरे और डायलिसिस के पेशेंट हम यहाँ से प्रीफर करेंगे, जो फ्री में रहेंगे उनका। आज आपके लिए बहुत बड़ी बात है, MGN समाचार के जो संपादक है इम्तियाज़ साहब आज आपके साथ मौजूद है। आइए हम इम्तियाज़ साहब से दो शब्द बात करते। आवेद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं, साथ ही जन जागृति आरोग्य सेवा समिति को भी, क्योंकि जन जागृति आरोग्य सेवा समिति आरोग्य क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रही है। ये आज इन्होंने ये जो पहल की है कि आम गरीब लोगों के लिए, और गरीब बोलना ठीक नहीं है क्योंकि हर किसी के लिए दवाखाना है और 20 रुपये में दवाखाना है। इसमें जो दूसरे चीज़ें हैं, दूसरे टेस्ट है, वो चीज़ों की भी फ़ीस कम है। जैसे सलाइन चलाना 50-60 रुपये, 80 रुपये के, 100 रुपये के ऊपर कोई फ़ीस नहीं इनके पास देखा जाए तो। दूसरी बात, नौजवानों को इस तरीके के एक्टिविटीज़ में काम आना चाहिए और काम लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने ये बहुत अच्छी पहल की है कि लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए कम पैसों में ये दवाखाने खोले। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जन जागृति आरोग्य सेवा समिति मोहल्ला क्लिनिक आवेश भाई को उसकी मुबारकबाद देता हूँ। आइए मोहल्ला क्लिनिक से आजू बाजू के जो अतराफ के जो एरिए है, उसमें जो हमारी माँ बहनें जो MGM हो गया, घाटी हो गया, जहाँ उनको तकलीफें होती है, लाइन लगाना पड़ता है, वहाँ उनको कुछ मालूम नहीं रहती, ऐसा लगता है कि फ़ायदा होगा। देखा, हमने आवेद साहब से बात की और यहाँ पे जो मेहमान आए हैं और उनसे भी बात की है, और MGN समाचार के जो संपादक है सैयद जी इम्तियाज़ साहब, इनसे भी बात की है। और ये काफ़ी खुशी की बात है, तमाम औरंगाबाद शहर के अंदर ऐसे कई मोहल्ला क्लिनिक खुलना चाहिए और इनकी फ़ीस कम रहनी चाहिए, जो कि गरीब आवाम के लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MGN समाचार, खान राफे मोहम्मद के।